बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विवाद में अब एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। लगातार जीतन राम मांझी के बयान को लेकर भाजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से कूलर आमने सामने थे। ऐसे में कई नेताओं का बयान सामने आ गया, सरकार गिराने की भी बात आ गई और उसके बाद ललकारा भी गया कि सरकार गिराकर दिखा दीजिए। चार विधायक से सरकार नहीं बनते हैं, सभी लोग मिलते हैं तब सरकार बनते हैं, गठबंधन की सरकार है और उसमें चर्चा ये भी आ गई कि ऐसो आराम खत्म हो जाएंगे, तो उसका भी जवाब आ गया कि हमारे ही नहीं सभी लोगों के ऐसो आराम खत्म हो जाएंगे। अब ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, जो बिहार में नहीं है लेकिन बिहार की राजनीति पर खासा ध्यान रखते हैं, अब उन्होंने भी सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर है। लगातार बैक टू बैक 3-4 ट्वीट करके उन्होंने जीतन राम मांझी विवाद में एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। क्या ट्वीट किया है उन्होंने, हम आपको बताते हैं। उन्होंने पहला ट्वीट किया है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर घटक दलों की ओर से कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जिस बयान को तुल दिया गया है उस पर जब मांझी जी ने माफी मांग ली, अपने आवास पर बुलाकर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया, तब इस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए। जिससे मांझी जी को धमकी दी उसे भाजपा से निलंबित कर साफ संदेश दिया गया है, दलित समाज को धमकाने या अपमानित करने वाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी सुशील कुमार मोदी अब इस लड़ाई में जीतन राम मांझी वाले चैप्टर में कूद पड़े हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने एक अलग मोड़ देने की कोशिश की है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, कई तरह की बयानबाजियां हैं, कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब जहां भाजपा के तरफ से काउंटर अटैक किया जा रहा था, अब भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर साफ कर दिया है कि इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए और जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम सरकार गिराने की बातें, इन तमाम बातों के बीच अब एक बार फिर से भाजपा के तरफ से सीधा सीधा बयान आ गया है। सुशील कुमार मोदी की एंट्री बिहार में फिर से हो गई है और बिहार के राजनीति में जो मांझी जी के बयान को लेकर लगातार बयानबाजी हो रहा था उस पर कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी ने रोक लगाने की मांग कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।